इस क्वेश्चन में आपको ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना है। तो पहले ये क्यों दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है ताकि इसकी डोमेन आपको समझ में आ सके, ठीक है। अगर x मान लीजिए 0 हो गया तब क्या होगा, ये 0 से डिवाइड होगा, और कोई भी नॉन जीरो नंबर या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो वो अनडिफाइंड होता है मैथ में, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की क्लैरिटी के लिए दिया गया था, ठीक है, और उसका कोई क्वेश्चन से लेना देना नहीं था। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख के आपको क्या नजर आएगा, आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अच्छा, करस्पॉन्डिंग आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये सोचिए कि अगर हम यहाँ पे टेन थीटा प्लेस कर दें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और अंडर रूट, फिर आपका अंडर रूट से सेक स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और अगर आप कॉट प्लेस करते हो तब भी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये स्क्वायर रूट आपका रिमूव हो जाएगा। उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर लिख दोगे और कोसेक से फिर आपका कोसेक स्क्वायर से कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ आपको एक हिंट मिल रहा है पूरे स्ट्रक्चर को देखने के बाद कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन हम लोग करें। तो हम यहाँ पे एक्स को क्या प्लेस कर देते हैं, टेन थीटा प्लेस कर देते हैं, ठीक है, आपके पास दोनों च्वाइस है, कोई भी प्लेस कर लीजिए। तो लिख लेंगे लेट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा। अच्छा, एक्स टेन थीटा प्लेस कर रहे हो तो थीटा बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, दैट इम्प्लाइज, ये डाल के हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको प्रोसीड करते हैं, नाउ टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट कम्स आउट टू बी टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दैट इज टेन इनवर्स और ये हो जाएगा सेक थीटा और माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो इट कुड बी रिटन एज ए टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 ओवर टेन को आप क्या लिख देंगे, साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन होल कॉस थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, होल अपॉन साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या बचा, साइन थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है आपका, cos 2 थीटा का फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए, ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी 2 sin² एंगल हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2 अपॉन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, क्या होता है 2 sin θ, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, और cos θ/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 sin θ/2 1 sin θ/2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका sin θ/2 और नीचे क्या बचा आपका cos θ/2, तो वो क्या लिख सकते हो आप, tan θ/2, तो दैट इज टेन इनवर्स ऑफ tan θ/2 और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका θ/2, क्योंकि टेन इनवर्स ऑफ tan θ, टेन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, बशर्ते एक्स डोमेन में होना चाहिए, यहाँ पे हमें कोई रिस्ट्रिक्शन दी नहीं गई है तो हम लोग वैसे भी चेक नहीं करने वाले हैं। अच्छा, थीटा क्या था, थीटा यहाँ से आपका था टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो थीटा आपका वेरिएबल है, कभी आप इतने पे मत छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये आपका डमी वेरिएबल है, आपको ओरिजिनल सिस्टम के वेरिएबल में आंसर देना पड़ेगा। तो ये पूरा सिंप्लीफाई होकर किसके इक्वल हो गया, 1/2 tan inverse x के इक्वल हो गया। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, तो बोर्ड में आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है,
डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वहाँ पे हो सकता है कि इनवर्स को सिंप्लीफाई करके आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, ये इंटीग्रेशन में भी आ सकता है, ठीक है, कि सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन आपको करना पड़े, तो आपको इस चैप्टर पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर दो जगह एसोसिएटेड है, डिफ्रेंशिएशन में भी आपको वापस मिलेगा ये और इंटीग्रेशन में भी वापस मिलने वाला है, तो आप अच्छी तरह से इस चैप्टर में इसके साथ मेहनत कर लीजिए।